सीमास किचन में आज नो मशीन पीनट चॉकलेट आइसक्रीम सिखा रही हैं, जो कि फोर इंग्रेडिएंट्स पर बेस करती है। मेन इंग्रेडिएंट व्हिपिंग क्रीम है। वो क्यों? क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नामों से इस्तेमाल हो सकती है, आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए व्हिपिंग क्रीम के नाम से भी हो सकता है, डबल क्रीम, हैवी क्रीम। यानी हमें कोई ऐसी क्रीम चाहिए है जिसको हैंड मिक्सर से व्हिप करने पर वो डबल हो जाए, थोड़ी स्टिफ हो जाए। इसके अलावा इसके फैट कॉन्टेंट्स पर भी रखना है कि फैट कॉन्टेंट क्या होना चाहिए, कम से कम 38% होने चाहिए। 38% से जितना हाई जाते जाएंगे वो उतनी ही बेटर रहेगी। मेरे पास जो व्हिपिंग क्रीम है इसका फैट कंटेंट 49% है, तो आप देख लें आपके पास कौन सा है। और स्वीटन कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करेंगे, पीनट बटर है और चॉकलेट सिरप है। आइसक्रीम बनाने के लिए हम व्हिपिंग क्रीम और स्वीटन कंडेंस मिल्क इसको ठंडा इस्तेमाल करेंगे। इसको पूरे एक दिन के लिए फ्रिज में रखना है, लगभग 24 घंटे के लिए। प्याले में मैं व्हिपिंग क्रीम सबसे पहले डाल दूंगी। ये 250 ग्राम्स है। ये देखिए किस तरह पतली सी है, दूध की तरह है, थोड़ी सी थिक है दूध से। इसको हैंड मिक्सर से अब मैं व्हिप करूंगी मीडियम टू हाई स्पीड पे। ये देखिए ये किस तरह से क्रीम बन चुकी है। इसको अब हम रोक लेंगे और साइड पे कर लेंगे। स्वीटन कंडेंस मिल्क डालेंगे। व्हिपिंग क्रीम ली थी मैंने 250 ml, अब मैं स्वीटन कंडेंस मिल्क डालूंगी इसमें 150 ml। ये मेरे पास जो मेजरिंग स्पून टाइप है ये 100 ml का है एक, तो मैं 1.5 डालूंगी। ये मैंने 100 ml डाल दिया और ये हाफ डाला, यानी 150 ml हो गया। इस तरह की स्पून्स रखा करें, ये काम देती हैं। जिस तरह बेकिंग करनी है, आइसक्रीम बनानी है, इन सब चीज़ों में ये काम बहुत आती हैं। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, अगर आपको लेना है तो वहां से आप ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं। अब हम दोबारा से इसको हैंड मिक्सर से व्हिप करेंगे, लेकिन इस दफा हाई स्पीड पर करना है। देखिए ये अब क्रीम व्हिप है। अगर हम इसको लो स्पीड पर कर देते तो ये थोड़ी लिक्विड टाइप बन जाती। ये देखिए हाई स्पीड पर करने के बाद ये अभी भी क्रीम है। अब हमारी जो है आइसक्रीम बेस तैयार हो चुकी है। ये एक व्हाइट कैनवस की तरह होती है, इसमें जो सा फ्लेवर डालेंगे वो आइसक्रीम बन जाएगी। और एक और बात, व्हिप करते हुए ओवर व्हिप नहीं करना। व्हिप एक दफा ओवर व्हिप हो गई तो आपका ये जाया हो जाएगा, ये पूरी तरह से यानी एक तरह से फटा हुआ होगा, जैसे दूध फट जाता है उसी टाइप का हो जाएगा। एक प्याला ले लिया है, इसमें मैं पीनट बटर डाल रही हूँ। प्याले में डालने के बाद इसको एक दफा मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, आइसक्रीम में इजीली मिल जाएगा। इसको मैंने बाहर रखा हुआ था, नहीं रूम टेम्परेचर पर है, ना मैंने इसको गर्म किया है और ना ये फ्रिज वाला है। अब मैं इसमें आइसक्रीम बेस शामिल कर दूंगी और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें चॉकलेट सिरप डालूंगी और चॉकलेट सिरप को मैंने पूरी तरह मिक्स नहीं करना, इसमें ये इस तरह बस हल्का हल्का चम्मच हिला दूंगी क्योंकि ये इस तरह से ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ये तैयार है, इसको एक प्याले में निकाल लूंगी मैं। इस पर मैं ऊपर हल्का सा चॉकलेट सिरप फिर डाल दूंगी, इसको कवर करूंगी और फ्रीजर में रख दूंगी 6 घंटे के लिए, पूरी रात भर के लिए। आइसक्रीम को लगभग मैंने पूरी रात के लिए फ्रीजर में रखा है, अब मैं इसको निकाल लूंगी। इसको ठंडे ठंडे सर्व करें। इसके अलावा ये प्यालियां जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो वहां से ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।